Next question. Find example 56 है. Find the amount of an annuity 400 payable at the end of the each month for the 7 year is a monthly worth rate 6% effectively. Clear है बच्चे? ना तो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी कह रहा है 400 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर द 7 ईयर. क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहता है. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पहले कहा था ना. हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी फॉर, गलत लिखा है क्वेश्चन. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फाइंड द, ये गलत है. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू लिखेगा वो. क्लियर है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, दिस वन करो जरा इसको. अब क्या है आपके पास पे, तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी तो 400 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. ठीक है भैया, ऑर्डिनरी एन्युटी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईच ईयर है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कंसेप्ट अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने आपका. ठीक है, वो जब करूँगा तो दोनों पर बात करूँगा मैं. अभी फिलहाल हम एट द एंड ऑफ द ईयर ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ. तो इस बार आप 400 रुपीज़ पे कर रहे हैं, देन आपका आर इक्वल्स टू क्या है, 400 रुपीज़ है. आपका एन इक्वल्स टू क्या है, पहले एन से पहले जहाँ पर मंथली मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर द 7 ईयर. जब मंथली क्वार्टरली आप ऐसे पेमेंट करते हैं ना एक साल, तो वहाँ पर पहले आप एम निकालते हैं अपना. तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 12 तो फिक्स है और अपॉन में कितने समय पे दे रहे हो, कितने मंथ पे दे रहे हो, एक मंथ पे दे रहे हो आप. तो आपके पास में m इक्वल्स टू 12 आ गया. अब n इक्वल्स टू क्या होगा, mt होता है बच्चे. क्लियर है? एक ईयर में कितनी बार, 12 बार. और आपके पास में कितने साल की बात कर रहे हैं, 7 साल. तो आप 84 टाइम्स पेमेंट करोगे उसको. ठीक है, 84 बार आपके पैसे जाएंगे. ये किस 84 बार जाएगी आपकी, 84 किस बनवाई है आपने. i इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है इन अ डेसिमल फॉर्म में, अपॉन में आपका एम होता है. तो सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म में आपका 0.06 है और अपॉन में आपके पास में एम, एम क्या है आपके पास में 12 है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. तो भैया आप घबराओ मत यार, ऐसा कैलकुलेशन कौन करेगा. अरे भाई कैलकुलेटर करेगा, आप नहीं करोगे. तो क्या आया आपका, 0.005. ठीक है बच्चे, क्लियर है? आप सॉल्व करेंगे इसको, आई इक्वल्स टू दिस. अब आपके पास में क्या निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. प्रेजेंट ये चीज़ें आपको देखो कुछ नहीं है, बस ऐसी दी हुई हैं. पी इक्वल्स टू आर ए दिस वन एन एन आई. तो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली फार्मूला अपना अप्लाई करो, पी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट वन माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई दिस वन. क्लियर है बच्चे? एन पी इक्वल्स टू आपके पास में आर क्या है, आर आपका है 400, वन माइनस वन प्लस 0.005 अपॉन रेज टू पावर माइनस 84 अपॉन 0.005 दिस वन. क्लियर है बच्चे? अब तो भैया इसको सॉल्व तो पूरा करके जेके ठकराल ने भी नहीं दिखाया है, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके. 400 अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है, माइनस ये कर दो आप, चलो लिख देते पहले 1.005 रेज टू पावर माइनस 84 ब्रैकेट बंद अपॉन में 0.005. एन पी को सुबह बच्चे आप जब लाइव क्लास देख रहे होते हो ना तो कुछ कमेंट भी क्या करो, तो रिकॉर्डेड के बराबर ही है ये. 1 माइनस 1 अपॉन 1.005 रेज टू पावर 84 अपॉन 0.005 दिस वन. एन पी इक्वल्स टू 400 वन माइनस, सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं 1 अपॉन, इस पावर को सॉल्व करो 1.005. ठीक है 1.005 इंटू इक्वल्स टू, प्रेस करते रहो 84 है ना कैलकुलेटर पे, जब तक 85 लिखा हुआ ना आ जाए. इंटू करके इक्वल, इक्वल का साइन ही तो प्रेस करना है आपको, और आपको करना क्या, कोई हल थोड़ी चलाना है. तो 84 लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, आपका 85 आना चाहिए. तो बस प्रेस करते रहो, आपने गिनना भी नहीं है,
कितनी बार आपने प्रेस कर दिया, अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ कोने पे 85। स्लो जाते हैं आप, ये 85 आ गया। क्या है 1.52036। आप सोच रहे थे हे भगवान कैसे करेंगे इसको, अरे कैलकुलेटर करेगा, वो कैलकुलेटर सोचेगा भगवान कैसे करेंगे। आपको नहीं सोचना, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 400, 1 माइनस, सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.52036, डिवाइड कर दिया, लो जी 0.65577, जितना लिख सकते हो लिख दो कोई बात नहीं, 0.005, एंड पी इक्वल्स टू 400 ब्रैकेट 1 माइनस 0.65577 दिस वन, तो क्या आया 0.34423/0.005। अब डिवाइड करोगे तो पी इक्वल्स टू 400 इंटू डिवाइडेड बाय 0.05, तो 68.846। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे, P इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 400, तो भैया 27538.4, ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, 87,538.40। ठीक है, कमेंट कर रहे हो हाँ या ना? 4,40 भाई, ये कहाँ से करा भैया आपने, हमें भी सिखाओ जरा यार। भाई हर किसी की अपनी कहानी अलग है, 27,381, 27,538, 27,440। हाँ वो डेसिमल के ऊपर के, डेसिमल कहाँ तक लिया, कितना लिया, ठीक है, बाकी 27,000 आ गया, लबल आपका आंसर पूरा सही जाएगा, 2, 4, 5, 10, 50, 60 से भी फर्क नहीं पड़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, एक्स बायस अ पीस ऑफ लैंड प्राइस एट 5 लाख रुपीज, फॉर विच इज द एग्री टू मेक अ इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द 10 ईयर्स। इफ मनी इज द वर्थ 5% फैक्टली, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एनुअल पेमेंट। 5 लाख की जमीन ली और बोला मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, किस्त बांध दो, किस्त में लौटा दूंगा पैसा, समझे? बोला ठीक है भैया, किस्त में लौटा देना, 5%, लेकिन आपको ब्याज लगेगा, हर किस्त में 5% आपका जो है वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और 10 साल में आपको ये पैसा वापस करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका आर नहीं है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है कि अभी स्टार्टिंग में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 5 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसकी, फाइव लाख रुपीज है प्रेजेंट वैल्यू, समझ रहे हैं बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपीज है, एंड विच इज एग्री टू मेक एन इक्वल पेमेंट, एंड आर इक्वल्स टू क्या है, यही तो फाइंड करना है आपको, इंस्टॉलमेंट क्या है इस बार, और आपके पास में एन 10 है यहाँ पे, तो और आई इक्वल्स टू क्या है, 5%, 0.05। वही फॉर्मा रखो बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आपके पास में आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू पावर माइनस n अपॉन i, दिस वन, ठीक है, एंड p इक्वल्स टू आपके पास में r, सॉल्व करेंगे 1, क्योंकि आपको r निकालना है, बाकी तो वैल्यू गिवन है आपको, सब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, लो जी। अरे इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल पूछ ले आपसे, दिक्कत क्या है आपको, एक ही वेरिएबल तो पूछ रहा है r, 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 10 अपॉन i, 0.05, दिस वन, क्लियर है, एंड 5 लाख रुपीज इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 रेज टू पावर 10। ये जो YouTube पे देख रहे हैं ना बच्चे, इधर उधर से क्लासेस, सब उस कोर्स की क्लास देख रहे हैं, कुछ उस कोर्स की क्लास देख रहे हैं, सबके सबकी लाइन लग जाएगी,
क्योंकि आपका जो कोर्स है आप उतना ही पढ़ो जितना आपका कोर्स है उसके ओरिएंटेड ही रहो, तभी एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम ऐसा हिलाएगा झटका लगाएगा ना। कि आपको याद आ जाएगा कि 2 पैसे बचाने का मतलब 1 साल खराब करना होता है। जहां पे देखो 1 अपॉन बिजनेस मैथ से बच्चे बीकॉम में सब में पास हो जाओगे, सब में हो जाओगे पास, बिजनेस मैथ्स में अगर फेल हुए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट भाई। अरे एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपके गोद में फेंकेगा, फुल टॉस होगा, इसको आप शॉट मार दो, सारे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे। और ट्रिकी क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपके और एक क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स लटकाएंगे, एक दो पार्ट होगा, एक दो पार्ट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करके तो फंसोगे उसमें। और अगर आप उस पार्ट में फंस गए, अब ऐसे करते करते आपके पास में 5 सवाल अटेम्प्ट करें, 2-3 सवाल स्पॉइल हुए फेल, और फेल हो गए तो उसके बाद फिर पास होकर दिखा देना इसमें, उसके बाद फिर पास नहीं होता कोई एक बार फेल हो जाए तो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ढंग से तमीज से तरीके से पढ़ लो। 1.05 × 2 = 1.62, 2889462 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अपॉन आई 0.05, ठीक है, 5 लाख रुपीस इक्वल्स टू आर 1 - 1/(1.62) 2889462 0.616 1849 1849 अपॉन 0.05 5 लाख रुपीज आर इक्वल्स, सॉल्व करते हैं, 1 - 0.616 1849 0.383815 अपॉन 0.05 और 5 लाख रुपीज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 0.05 7.676302 एंड आर इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़। सेम फार्मूला, अलग फार्मूला पढ़ने की जरूरत क्या आपको इसमें, बताओ जरा। एक तो वैसे इतने फार्मूले हैं इस चैप्टर में, एंड आर इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 7.676302 65135 65,135 रुपया 53 पैसा आप जो है हर साल आपको देते रहना है 10 साल तक। हाँ जी बच्चे, क्या पूछ रहे थे, पूछो। अशीना सर बता दो, 1 अपॉन 1.05 कैसे आया, 1 अपॉन 1.05 कैसे आया, कहाँ पे बच्चे, कहाँ आया, कहाँ पे, अच्छा ये ठीक है, आप ये पूछ रहे हो कि इसको मैंने ये कैसे लिख दिया। किसी की पावर जब नेगेटिव होता है तो उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो पावर नेगेटिव था तो अब 1 अपॉन 0.10 रेसिप्रोकल कर दिया तो यही पॉजिटिव नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गया। अब इस पॉजिटिव पावर को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सिखा रखा था तो वैसे हमने इसको सॉल्व कर दिया 1 अपॉन दिस 1। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, अब पढ़ेंगे फिर अगली कक्षा में।